हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की रेसिपी है मेरी खिचड़ी। खिचड़ी मैं कैसे बनाती हूँ तो चलिए देखते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। खिचड़ी बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पे एक आलू, थोड़ा सा सीम, बीन्स, एक टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, धनिया पत्ता। सब्जियों को मैंने छोटे छोटे पीस पे काट लिया है। दाल लिया है एक कटोरी, चावल लिया है एक कटोरी। चावल और दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है। पतीला में मैंने पहले से पानी चढ़ा दिया था। चावल और दाल को मैं डाल दूंगी। फिर मैं ढक्कन से ढक दूंगी। यहां मैं गैस को ऑन कर दूंगी। फिर कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई मेरा गरम हो गया है। इसमें मैं सरसों का तेल ऐड कर दूंगी। तेल मेरा गरम हो गया है। चार मैंने सूखी मिर्च लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, दो तेज पत्ता लिया है। इनको भी थोड़ा सा मैं भून लूंगी। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। फिर सारा सब्जियां ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने सीम ऐड कर दिया, फिर मैंने बीन्स ऐड कर दिया, फिर फूलगोभी ऐड कर दिया, फिर बैंगन ऐड कर दिया। फिर सब्जी को मैं अच्छे से भूनूंगी। सब्जी को ऐसे फ्राई करते रहना है। फिर नमक ऐड कर दिया। फिर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। फिर जीरा पाउडर ऐड कर दिया। फिर धनिया पाउडर ऐड कर दिया। फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। फिर मसाला को मैं अच्छे से सब्जी के साथ मिला लूंगी। फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी कि मसाला जले ना। फिर ऐसे फ्राई करते रहना है। फिर चावल और दाल को मैं थोड़ा सा देख लूंगी। तो देखिए, चावल और दाल में अच्छे से बॉईल आ गया है। फिर से मैं 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो सब्जी देखिए, यहाँ पे मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को भी अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूंगी। फिर देखिए, सब्जी मेरा फ्राई हो गया है। तो अब दाल और चावल को मैं चेक कर लूंगी। तो लगभग मेरा दाल और चावल पक चुका है। अब मैं इसमें सब्जी को ऐड कर दूंगी। तो
तो देखिए मैंने सारा सब्जी ऐड कर दिया इसमें। फिर मैं सब्जी को अच्छे से हिला के नमक, थोड़ा सा नमक दूंगी, स्वाद अनुसार ले अपने। फिर 15 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। फिर बीच बीच में हिलाते रहे। फिर 15 मिनट के बाद मैं ढक्कन को हटा लूंगी। तो देखिए यहाँ पे चावल और दाल लगभग पक गया है। फिर मैं थोड़ा सा पानी सुखा लूंगी। फिर से मैं 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। फिर 10 मिनट के बाद देखिए अच्छे से पानी सूख गया है। फिर मैं इसको हिला के थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। तो खिचड़ी बनके मेरा रेडी है। तो खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। जब आपको कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं तो खिचड़ी बना के ज़रूर खाना।